आने वाले वक्तों में उनको ऑब्जर्व करो कि टैलेंट प्यार होता उनको नौकरी गारंटी दे पर जस्ट लेट बताई। मेरी सोच यही है कि ये इतनी एटमोसफियर अच्छी हो जाए कि आपकी जो धारा है आप इधर बैठे में जो मुझे रिकमेंड है फर्स्ट प्रायोरिटी एटलीस्ट वो स्पोर्ट्समैन के थ्रू ये वो जॉब उनको दें कि आज माशाल्लाह टीम भी गई है कितना काम ये मोरल बिल्ड हुआ टीम के साथ एक्सपेक्टेशन है ये हम उनको भी दे इसी तरीके से जिसकी भी कोई खामियां भी हों तो उसको वॉच कर लें और इस वक्त जो है अच्छाई की तरफ सोच को ने कमी है नहीं फूल है हमारी नई नस्ल है उसको कम अज कम मैं ये दूंगा कि उसको आप अपने अल्फाज में जितनी भी अच्छी तरह इधर की फिक्रों की तरह उसको बुला दे तो ये बड़ी शिक्षक की जरूरत है। पैसों का कोई भी रौला नहीं है पहले भी हमने पैसे अरेंज कर लिए थे बहरहाल अनफॉर्चुनेटली वो मतलब ऐसे बातें हो गई तो अदरवाइज पैसों का कोई मसला नहीं है। हमें अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि हमने पिछले चार साल से गवर्नमेंट से एक पाई नहीं कोई ऐसा मसला नहीं पैसे हमने पहले भी नहीं मांगे थे तो अगर गवर्नमेंट दे देगी तो हमने दरख्वास्त की है तो गवर्नमेंट दे देगी तभी ठीक है नहीं देगी तभी हम गेमिंग कराएंगे इंशाल्लाह और भी हम अभी से तैयारी करेंगे अपनी नेशनल गेम की और उनको भी बड़े अच्छे तरीके से नेशनल गेम को हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे आप लोगों के तावन से। मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि हमारी टोल पाकिस्तान साइकिल है बहुत बड़ा इवेंट है अगर आप जरा देखें 11 स्टेजेस के ऊपर उनकी बोर्डिंग लॉजिंग उनकी सिक्योरिटी खाना पीना ट्रांसपोर्ट बाहर से टीमें आ रही हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये 8 तारीख को मजार कायद से इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है उसको प्लीज थोड़ा आप उजागर करें आप लोगों का मुझे तावन चाहिए उसमें भी और इंशाल्लाह पंजाब गेम्स में भी आप लोगों के साथ हम मिल के चलेंगे और इसको भाई साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि नेशनल गेम्स की तैयारियां होंगी इसमें खवातीन में हॉकी स्विमिंग स्क्वाश और साइकिलिंग नहीं रखी साइकिलिंग तो आप भी सेक्रेटरी हैं ये चार गेम्स क्यों नहीं रखी खवातीन ने कहाँ पे खवातीन खवातीन के 8 गेम्स है ना तो ये 4 खेले नहीं है खवातीन पंजाब गेम्स की पंजाब गेम्स की बात कर रहा हूँ पंजाब गेम का मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी गेमें जो हमने इसको इस दफा रिवाइज कर रहे हैं जो गेमें डिसाइड इस पैटर्न को करूंगी कि जो गेम्स मेंस में नहीं करवा रहे हम प्रोटेक्ट सिवाय एथलेटिक के और उसके जिमनास्टिक के क्योंकि जिमनास्टिक वाले ने कहा था कि आप हमें सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट दे दें विमेन के बाकी आप कुछ ना दें बाकी हम खुद अरेंज करेंगे एथलेटिक का जरूरी होता है जरा बाकी वो गेमें आप देखें कि मेंस में नहीं है उनको हमने विमेन में दिया है इसलिए उस पैटर्न के ऊपर हमने इस तरीके से ये जो खिलाड़ी है कहाँ जाएंगे ये खिलाड़ी जो हैं ये 4-5 बास्केटबॉल भी नहीं है खवातीन में तो आप इनको क्यों इनकरेज नहीं कर रहे हैं नहीं बास्केटबॉल दूसरी मेंस में है ना मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ बहुत बड़ा हो जाता है कि आप देखें 1908-27 गेमों को एक टाइम पे कराना ये हम नहीं चाहते कि कोई खुदाना खाता कोई शिकायत आए कि जी यहाँ पे ये टेलमेंट नहीं हुआ ये नहीं हुआ तो जितनी आप अच्छे तरीके से कंडक्ट करा सकें वो ज़्यादा बेहतरी है जो गेम अब नहीं हो रही वीमेन की या मेंस की उनको नेक्स्ट हम उसमें शामिल करेंगे और हमने उनको आज ये भी कहा है कि जो सेक्टरी साहबान कोई अपने लेवल पे कंपटीशन करवाना चाहता है तो वो हमें दरख्वास्त जो भी लेके देता है कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो शाह साहब मलिक साहब उनको उसी वक्त कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो सर्टन अमाउंट सेंक्शन कर देते हैं कि ये लोग जाकर आप करवाओ तो ये मतलब मसाइल ऐसा नहीं है मसला कोई और बिल्कुल सैमसंग उसको स्पॉन्सर है हमने उसकी अमाउंट पहले गेमों में कुछ खर्च करके जाया की हुई है मतलब उसको हम कहते हैं 2.5 करोड़ रुपए का जाता है 3 लाख रुपए स्पॉन्सर मिला तो पंजाब गवर्नमेंट ने तो सही आपके साथ लड़ाई ली किस चीज के 2.5 करोड़ पंजाब गेम्स का जो बजट आपने दिया था वो दिया था 70 मिलियन
73 लाख में से हमने शायद दिखा में जाती तौर पर 5 मिलियन चीफ मिनिस्टर से सेंक्शन करवाया था, बाकी का हमने कहा था कि जो शॉर्ट फॉल होगी वो हम अपने स्पॉन्सर से पूरा करेंगे। ये 2.5 करोड़ का खर्चा नहीं है, जो भी खर्चा होगा वो आपके सामने लाख रुपए का भी है, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट का तो बीच में से नाम एलिमिनेट हो गया ना, इसमें 30 लाख भी बोलेगा जब चाहता। शाह साहब आप मेरा ख्याल है बहुत अरसे से हमारे साथ देख रहे हैं कि जो स्पॉन्सर आएगा वो अपनी माइलेज चाहेगा, गवर्नमेंट पंजाब को उसकी कवरेज की अपनी जरूरत नहीं है कि हम गवर्नमेंट पंजाब की करते रहें, उसको चाहिए जो स्पॉन्सर आएगा कि स्पॉन्सर चाहेगा कि मुझे आप को माइलेज दें, मुझे आप एडवर्टाइजमेंट दें। तो सैमसंग अगर आता है तो उसको क्या मिलेगा अगर हम उसका नाम नहीं देते? अगर कराची में नेशनल गेम हुई, ऐसी नेशनल गेमें कराची में हुई, वहाँ गवर्नमेंट ने पैसा नहीं खर्च किया, जो दूसरे यहाँ बैंक अल्फला करा रहा है वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं करती। ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो करवा रहा है, हॉकी के करवा रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने दूसरे अदारों से, मल्टी नेशनल कंपनियों से कि वो आए, वो आके हमारे साथ, हमारे जितनों के साथ, हमारी फेडरेशनों के साथ फाइनेंशियली उनकी हेल्प करें ताकि गेम हो सके। बोलो, थैंक यू वेरी मच।